Good morning, students. I am Kita Gaur, your computer teacher from Lyal Public School. Okay. In last class, we read chapter number 4, Windows 7 operating system. हमने last जो chapter पढ़ा था, chapter number 4 is Windows 7 operating system. Today's chapter is chapter number 5, Fun in Tux Paint. What is Tux Paint? ओके टक्स पेंट क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से आप जैसे कि अपने जो कैनवास वगैरह होते हैं उसके अंदर हम लोग ड्राइंग करते हैं, पेंट ब्रश वगैरह लेते हैं, कलर्स लेते हैं और उसमें इजीली ड्राइंग कर लेते हैं, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी यही है कि आप इजीली ड्राइंग कर सकते हो इसके अंदर. ओके सॉरी ये क्या है, इट इज अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम. ठीक है, ये आपका एक ड्राइंग प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर होता है जो चिल्ड्रन के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है. इट वाज अ सिंपल इजी टू यूज इंटरफेस. इसके अंदर आप लोग इजीली सारी ड्राइंग कर सकते हो, इसको यूज करना भी बहुत इजी है. इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, कार्टून्स भी बना सकते हैं. ओके और इसके अलावा अगर आपको मतलब अपने इसमें चिल्ड्रन की हेल्प भी कर सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से ड्राइंग करिए. ब्लैंक आपको कैनवास मिलेगा, जैसे अपने ब्लैंक व्हाइट शीट होती है ना, वैसे आपको इसके अंदर मिलेगा. और आप इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ ड्राइंग टूल्स, जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही मतलब जो किड्स होते हैं वो इजीली इसके अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं. ओके सो की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग विद टक्स पेंट. आप किस तरह से इसको स्टार्ट करोगे, क्रिएटिंग कैसे करोगे उसमें न्यू ड्राइंग की, ऐड कैसे करोगे स्टैम्प्स को, ड्राइंग कैसे करोगे स्ट्रोक्स की, रेजिंग अ पिक्चर, ड्राइंग शेप्स, मैजिकल इफेक्ट्स, अनडू, सेविंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्लाइड शो कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपके इसके अंदर क्या है, की पॉइंट्स है. नाउ Let's start our chapter. Tux Paint is a program to create pictures. ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो पिक्चर्स को क्रिएट करता है. We have created beautiful pictures in previous classes using Tux Paint. Okay? Let's recap what we have learned and practice some new things. Okay? Starting Tux Paint. आप उसको किस तरीके से स्टार्ट करोगे, डबल क्लिक ऑन द Tux Paint. आप जैसे ही आपका जो आइकन होगा जो आपके कंप्यूटर पे, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे होएगा या फिर कहीं पे आपने सेव कर रखा है. ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट मेन्यू में जाना, वहां पे आपको टक्स पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा. द टक्स पेंट स्क्रीन ओपन, और आपके टक्स पेंट क्या हो जाएगा, ओपन होएगा. जो फर्स्ट स्क्रीन होगी आपकी ये वाली होती है. ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, सारे के सारे टूल बार्स हैं, आप देख सकते हो, पेंट है, स्टैम्प्स है, लाइंस, शेप्स, आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई मैजिक करना है वो हो सकता है, अंडू रीडू का यूज है, रेजर है, ओपन करनी है जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, सेव करना है, उसका प्रिंट निकालना है, क्विट करना है, और ब्रशेस आपको किस टाइप के चाहिए वो सब चीजें इसके अंदर मिलेंगी, कलर्स बाल मिलेगा कि आप किस तरीके से कौन से कलर का यूज करना है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. और ये क्या है, आपका हेल्प एरिया. तो ये आपका जब आप टेक्स पेंट को ओपन करोगे तो जो फर्स्ट विंडो ओपन होगी वो आपकी ये फ्रंट पेज होगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज parts of a tux paint. आपके कौन कौन से parts है tux paint के? The tux paint screen has the following parts. Number one is drawing canvas. We create pictures here. आपको एक drawing canvas मिलेगा, एक white blank page मिलेगा, जिसके अंदर आप pictures को create कर सकते हो. Color bar मिलेगा, जैसे भी आपको बताया था. It contains a palette of colors from where we can choose a color. आप इसके अंदर से अपना जो color को choose कर सकते हो. Tool bar, it contains different tools to work in tux paint. जैसे भी आपको बताया था, eraser, undo, new, ओपन, और ये सब चीजें आपकी क्या है, टूल बार के अंदर आती है. सिलेक्टर, इट शोज डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड टूल्स. इसके अंदर जो आप टूल को सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपका इसके अंदर क्या हैगा, अलग अलग थिंग्स आएंगे. हेल्प एरिया, हेल्प एरिया के अंदर आपको कोई यूज करना है जो आपने टूल को सिलेक्ट कर रखा है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको किस तरीके से उसको यूज करना है, किस प्रॉपर वे में उसको यूज करना है वो आता है. इन दिस एरिया द पेंगुइन टेल्स द पेंगुइन मीन्स टक्स पेंट टेल्स द प्रॉपर वे टू यूज द सिलेक्टेड टूल्स. उसके अंदर एक पेंगुइन होगी जो आपको ये बताएगी कि आपको किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में यूज करना है. ओके नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ड्रॉइंग. अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई न्यू ड्रॉइंग क्रिएट करनी है. द न्यू टूल इज यूज टू चूज अ रेडीमेड पिक्चर्स और ए ब्लैंक पेज फॉर द ड्रॉइंग कैनवास. आप इसके अंदर क्या कर सकते हो,
कोई एक रेडीमेड पिक्चर भी अपने ले सकते हैं इसके अंदर न्यू टूल के थ्रू, या फिर आप एक ब्लैंक पेज भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। स्टेप वन क्या है, क्लिक ऑन न्यू टूल, आपको इसके अंदर न्यू टूल के ऊपर क्लिक करना टूल बार में से, देन डाउन एरो एंड चूज अ रेडीमेड पिक्चर और अ ब्लैंक पेज। उसके अंदर आपका एक डाउन एरो आएगा, इसके अंदर अगर आपको रेडीमेड पिक्चर लेनी है तो रेडीमेड मतलब जो पहले से बनी हुई है, ठीक है, उसको इसके अंदर चेंजेस करना है या फिर ब्लैंक पेज करना है उसको चूज करिए, देन ओपन बटन पे क्लिक करिए। ओके, देखिए ये रहा इसके अंदर पूरा का पूरा स्टेप्स। न्यू पे आप जैसे ही जाओगे, न्यू के अंदर आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसके अंदर ये देखिए एरो आ रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर से आपको जो यूज करना है वो ले सकते हो। ओके, नाउ ये डाउन एरो आपको दिख रहा है, इसके थ्रू आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपके सारी की सारी पिक्चर्स आती रहेंगी, या फिर अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज ले लेना। नाउ थर्ड इज ओपन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिंग स्टैम्प्स। आप इसके अंदर स्टैम्प्स कैसे ऐड करोगे? The stamp tool shows small ready-made pictures which can be used like stickers. Stickers होते हैं ना, जैसे आपको जैसे अपने copies, books वगैरह होते हैं जो ऑल उसके ऊपर अगर अपने को नेम स्लिप लगानी होती है तो वो क्या होती है, अपने स्टिकर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो जो रेडीमेड अपने को बने बनाए मिल रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसके अंदर एक टूल होता है जिसका नाम स्टैम्प टूल होता है, उसके अंदर आपके रेडीमेड पिक्चर्स होंगे, स्टिकर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको कैनवास के ऊपर कोई एनिमल की पिक्चर बनानी है, ठीक है, एनिमल का आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर एक स्टैम्प मिल जाएगा। आप उस स्टैम्प को किसके ऊपर यूज कर लोगे, उस कैनवास के ऊपर यूज कर लोगे। फ्रूट का आपको स्टैम्प मिल जाएगा, फ्लावर्स का आपको स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप उसका यूज करके उस कैनवास के ऊपर उसको स्टैम्प लगाओगे, देन हम उसके ऊपर कलरिंग भी कर सकेंगे। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प सच एज एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। Okay, तो ये थोड़े बहुत इसने स्टैम्प्स बता रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे कि एनिमल्स के इसके अंदर हो सकते हैं, फ्रूट्स के हो सकते हैं, फ्लावर्स के हो सकते हैं, रिवर के आपको इसके अंदर इमेज मिल जाएगी, आपको हट के, होम की, इस तरीके से भी आपको हाउसेस के क्या मिल जाएंगे, स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, जो मेन मेन होते हैं। अब आपको उसको कैसे यूज करना है, क्लिक ऑन आपका जो टूल बार होता है उसके अंदर आपको स्टैम्प के ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन लेफ्ट और राइट एरो टू फाइंड मोर कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स। इसके अंदर आपको क्या है, आपको राइट और लेफ्ट और राइट एरोज मिलेंगे जिसके अंदर आपको कैटेगरीज दिखाई देगी। जैसे अभी मैंने कैटेगरीज आपको बताई एनिमल्स की, फ्लावर्स की, है ना, तो इसी तरीके से बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरीज होंगी, उनमें से जो आपको कैटेगरीज का यूज करना है तो क्लिक ऑन डाउन एरो इन द सिलेक्टर टू फाइंड मोर स्टैम्प्स। अगर आपको स्टैम्प्स देनी है तो आपको डाउन एरो को देखना है। अगर आपको जो शो इमेज हो रही है उसी में अगर आपको इमेज पसंद आ गई, स्टैम्प पसंद आ गई है, तो आपको क्या करना है, उस स्टैम्प को चूज करना और क्लिक करना है। मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग कैनवास, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर को मूव करना है ड्रॉइंग कैनवास के ऊपर, देन आपको ड्रॉइंग कैनवास टू पेस्ट द स्टैम्प, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। जैसे स्टैम्प लगाते हैं ना अपने, उसी तरीके से आपको उसके ऊपर वहां पे पेस्ट करना है। अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका ये क्या है, टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के अंदर आपको देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको क्या मिलेगा, स्टैम्प का मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना बेटा, तभी आपका ये वाला आपके उसके अंदर ओपन होगा। उसमें आपको ये देखिए लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये दो एरोज दिख रहे हैं, आप इसमें से आप इसका यूज करिए। अगर आपको ऊपर जाना है तो इस तरीके से इसमें क्लिक करेंगे, और अगर आपको इन्हीं में से कुछ यूज करना है तो जैसे इसने केक का लिया है तो केक को अपने क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रैग करके और फिर यहाँ पे लाके आप उसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ओके, तो ये आपके क्या बन गया, केक का बन गया। तो आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग के ऊपर जैसे कि केक की कोई बर्थडे केक की आप उसके अंदर फोटो इमेज बना रहे हो, कैनवास ड्राइंग कर रहे हो, तो आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो। ओके, स्मार्ट टेप यूज टू चेंज द साइज ऑफ सिलेक्टेड स्टैम्प। आप इसके अंदर क्या, ये देखो ये जो साइज है उसका भी क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यूज टू आपका ये जो आता है मिरर इमेज ऑफ सिलेक्टेड स्टैम्प, आप इसके अंदर मिरर इमेज का भी यूज कर सकते हो। ये देखिए आपको ये थ्री बटन दिख रहे हैं, इसका आप इसमें यूज कर सकते हो। और इसका क्या यूज है आपका, अपसाइड डाउन इमेज टू ऑफ सिलेक्टेड स्टैम्प। आप उसके अंदर डाउन इमेज अगर आपको कोई देखनी है, अपसाइड डाउन मतलब उसके नीचे जो और भी इमेजेस हैं, स्टैम्प्स हैं, उसको भी आप इसके अंदर इजीली देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स मतलब जो आपको जो लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस, इनका भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो।
The line tool is used to draw straight strokes using the same brush as of the paint tool. आपको paint tool के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसकी line tools मिलेगा. आप उसके ऊपर क्लिक करिए, then आप उसके अंदर easily उसको use कर सकते हैं. अगर आपने को straight line draw करनी है तो अपने straight line draw कर सकेंगे. आपको उसके अंदर square बनाना है तो आप उसका lines का use करके square भी बना सकते हैं. आप उसको किस तरीके से use करोगे? आपके टूल बार के अंदर लाइन का एक ऑप्शन आएगा. क्लिक ऑन लाइन टूल फ्रॉम द टूल बार. ठीक है, चूज अ स्टाइल ऑफ ब्रश फ्रॉम द सिलेक्टर. उसके बाद आपका सिलेक्टर ओपन होगा. उसके अंदर आपको जिस टाइप का आपका ब्रश चाहिए आप उसको चूज करिए, देन चूज अ कलर. अब आपको कलर भी चूज करना है कि आप जो ड्रॉइंग बनाने वाले हो कौन से कलर की बना रहे हो. ठीक है, देन मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग कैनवास. फिर जो आपका जो ड्रॉइंग का कैनवास है उसके ऊपर लेके आइए और फिर आपको अपना माउस को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, जिससे आपकी जैसी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो उस कलर में अपने माउस को मूव करिए और उस ब्रश के थ्रू आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. एज यू ड्रैग यू गेट अ स्ट्रेट स्ट्रोक ऑफ द ब्रश. इसके अंदर क्या होंगे, आपकी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ होंगी. देखिए अब इसको किस तरीके से, ये देखिए टूल्स के अंदर आपका यहाँ पे लाइंस वाला ये रहा शेप. ओके, आपने लाइंस लिया, उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इसने क्या कहा है, पेंट के अंदर अपने पेंट को लेने के बाद हमने लाइंस का यूज करा है. देन इसने किसका यूज करा है, यहाँ पे ये ब्रशेस दे रखी, किस टाइप की आपको ब्रशेस चाहिए आप उसका यूज करिए. अगर आपको हार्ट शेप में चाहिए, स्टार में चाहिए, ट्राइंगल में चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें किसी का भी कोई सा भी आप ब्रश यूज कर सकते हो. उसके बाद आपको कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, आप डिफरेंट कलर्स का यूज करिए, देन आप उसके ऊपर यहाँ पे यूज करिए. अगर आपको ये वाला शेप चाहिए तो हमने इसको ऊपर क्या करा, लेके आए हैं कलर यूज करा, रेड कलर करा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको ड्रैग कर दिया. तो इजीली आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इनफ टुडेज क्लास. ओके, आई विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग. ओके, बाय बाय, टेक केयर.